नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पिनफ्री टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, स्पिनफ्री टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और स्पिनफ्री टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्पिनफ्री टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्पिनफ्री टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। स्पिनफ्री टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्पिनफ्री टैबलेट का उपयोग सफर में जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए भी डॉक्टर स्पिनफ्री टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पिनफ्री टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। स्पिनफ्री टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्पिनफ्री टैबलेट को दिन में एक से लेकर दो बार लेने की सलाह देते हैं। यदि आप सफर में जी मिचलाना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए स्पिनफ्री टैबलेट को लेते हैं, तो स्पिनफ्री टैबलेट को सफर में जाने से 2 घंटे पहले लेना रेकमेंडेड होता है। स्पिनफ्री टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको स्पिनफ्री टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना स्पिनफ्री टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पिनफ्री टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में स्पिनफ्री टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में स्पिनफ्री टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी, सिर दर्द, नींद ज्यादा आना, पेट में दर्द और पेट में बेचैनी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पिनफ्री टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्पिनफ्री टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। स्पिनफ्री टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और स्पिनफ्री टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्पिनफ्री टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को स्पिनफ्री टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्पिनफ्री टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं स्पिनफ्री टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए स्पिनफ्री टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्पिनफ्री टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्पिनफ्री टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका स्पिनफ्री टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।